हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपके सामने आज हम फिर से गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के गोल्ड के ट्रेडिंग लेवल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें हम वीकली एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से मार्केट कई बार गिरा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फिर से गिर सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी अभी हमें लाइव मार्केट में ट्रेड किस प्रकार से करना है, देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दोस्तों अपना जो वीकली एनालिसिस है उसमें वन डे का चार्ट लगा के दिखाया था, और वन डे की चार्ट में हमने इस वाली कैंडल को देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, इस वाली कैंडल को जो हमने देखा था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्राइडे में बनी है ये एक बुलिश कैंडल है, तो इस कैंडल की वजह से मेरे को लगा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। दूसरी बात मैंने बोली थी कि यहाँ पर ये जो रेंज बनी है ये 2436 से लेके 2410 तक की, इस रेंज में थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। ये वन डे का चार्ट है, वन डे के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट में अभी कोई भी वीकनेस नहीं देखने के लिए मिल रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो जोन है, ये वाला जोन है जो मैंने रेड जोन यहाँ पर सेलेक्ट किया है सर्कल बनाकर भी, तो यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको ध्यान से ट्रेड करना है, प्रॉपर एसएल के साथ करना है। और अगर आपको मार्केट नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको मार्केट नहीं समझ आएगा, जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा कुछ इस प्रकार से, तो ऐसी सिचुएशन फिर से बन सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करें, ना मार्केट समझ आए तो ना ट्रेड कीजिएगा। लेकिन अभी हमारे नेक्स्ट फर्दर ट्रेडिंग लेवल्स क्या रह सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जैसे कि 4 आवर का चार्ट लगाते हैं वन डे के बाद, तो 4 आवर में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी मार्केट बुलिश है। तो बुलिश है दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए हम बाइंग के लिए ही एक्सपेक्ट करेंगे, और हमारा जो फाइनल एक बाइंग का लेवल रहेगा वो रहेगा ये वाला, ये जो इस कैंडल का हाई है, तो इस कैंडल का हाई है 2440 का, 2440 तक के लिए हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर 2420 का एसएल लेकर। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ एग्जैक्टली अपने इस वाले लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली हम गोल्ड में फर्दर बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर के हमारे ट्रेडिंग लेवल्स रह सकते हैं 2470 2480 तक के। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है, अगर गोल्ड अपनी इस वाली कैंडल के हाई को वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता है, वॉल्यूम के साथ यानी कि एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करता है, तो दोस्तों यहाँ पर ये गोल्ड कंसोलिडेट होगा, और कंसोलिडेट होकर यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ आने की संभावना बन सकती है। डेफिनेटली आपको अगेन 2390 या फिर उससे नीचे के 2360 तक के भी लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो होप सो आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमें जो पिक्चर दिख रही है लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में है, तो वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो हमने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग भी आपको बताया कि 4 आवर में आपको कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, और 4 आवर में ऑब्जर्व करके कितना सिंप्लिसिटी के साथ आप 5 मिनट में ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे प्राइवेट फॉरेक्स लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और स्ट्रेटजी का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे लिंक से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आपका ऑलरेडी उन ब्रोकर में अकाउंट है तो आप अपना आई बी चेंज करके भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और फ्री में प्राइवेट फॉरेक्स लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।